सिंपल सी लॉजिक है कि आप जैली चीज़ में यकीन रखते हैं कि नहीं। जैली चीज़, अगर आप जैली चीज़ में यकीन रखते हैं तो फिर आप नशे में यकीन रखेंगे, जैली चीज़। क्योंकि जो भी वो कैफियत होती है जिसे नशे की कैफियत कहते हैं, वो असली नहीं होती। अफसोस ये है कि धड़का लगा रहता है कि अभी ये हाथ से निकल जाएगी, अभी ये नशा उतर जाएगा, अभी कोई आएगा मुंह मारी करेगा तो सारा नशा उतर जाएगा। क्योंकि नशा करके बंदा ये नहीं चाहता कि कोई मुंह मारी करे। शराब पी के लोग बीवी को कहते हैं तुम ज़रा बन ठन के बैठ जाओ मेरे पास, उनका दिल करता है बीवी से बातें करने को, और बीवी का दिल नहीं करता उनसे बातें करने को, क्योंकि जब शराब जो पी हुई है तो बीवी उनसे बातें करने को दिल नहीं करता। ये चार चीज़ें हैं, प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, क्रॉनिक एंड फेटल। इफ अनट्रीटेड इट इज़ फेटल। तो ये कहा जाता है इफ अनट्रीटेड। ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप नशा ना करें, ट्रीटमेंट ये है कि आप हुनर सीख लें कि नशे को कैसे छोड़ना है, और नशा छोड़ने के नतीजे में जो बदमजगियाँ पैदा होती हैं उन बदमजगियों पे कैसे काबू पाना है। ये है सारी बात। लोग कोरोना के मामले में भी यही देखे, अप्रोच बुनियादी दुनिया में यही अप्रोच थी। जब कोरोना की बीमारी आई है तो बुनियादी अप्रोच ये थी कि छुप जाओ, लॉकडाउन कर लो। और अमेरिका में, पाकिस्तान में, चीन में, जापान में, हर जगह लॉकडाउन कर लो। लेकिन कोई फायदा हुआ लॉकडाउन का? अमेरिका में 46,000 लोग मर गए, 46,000, 7,50,000 लोगों को कोरोना हुआ। बरतानिया में 22,000 लोग मर गए, इटली में 20,000 लोग मर गए। अच्छा, ये जो लॉकडाउन है, अगर ना करते तो पता नहीं क्या होता, शायद ज़्यादा लोग मर जाते, शायद ज़्यादा लोग ना मरते। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में लॉकडाउन नहीं हुआ, वहाँ के नतायज भी मुख्तलिफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन अमली तौर पर कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं हुआ। तो कबल अज़ वक्त है कुछ कहना कि हल लॉकडाउन में है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग घरों में बंद कर देते हैं बच्चों को और समझते हैं कि वो नशा नहीं करेंगे, यानी नशे के मर्ज की वजह से घरों में बंद करते रहते हैं। लेकिन कुछ होंगे जिनको घरों में बंद करें तो वो नशा छोड़ देते होंगे, कुछ होंगे मेरे ख्याल में, ठीक, कुछ होंगे। हम कतई तौर पर उसको डिसमिस नहीं कर सकते। लोग बहुत से तरीके घरों में करते हैं जिससे कि बच्चे नशा छोड़ देते हैं। लोग अपना तर्ज अमल बदल लेते हैं, लोग गांव भेज देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चारा करते हैं कि इलाज के बगैर ही लोग नशा छोड़ देते हैं। लेकिन इलाज का मामला दूसरा है। इसमें आपके खिलाफ, आप में नशे के खिलाफ मुदाफियत पैदा हो जाती है। आप नशा नहीं करते और पुरसकून होते हो। इलाज के बगैर बाज़ औक़ात आप नशा नहीं करते लेकिन पुरसकून नहीं होते। आपके अंदर वो एक डिप्रेशन और ये चीज़ें चलती रहती हैं। इलाज का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबली नशा छोड़ो और उसके बाद पुरसकून हो जाओ। और अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना हिट करता है लंग्स के निचले हिस्से को। अगर हम अपने लंग्स के ये निचले हिस्से जो है, लोअर लंग्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मजबूत रखें तो कोरोना कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ उस बंदे को तंग करता है जिसके लंग्स की कैपेसिटी कम है, जिसके लंग्स का निचला हिस्सा कमज़ोर है। आज फिर भी कर आया, मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो सिर्फ आज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूँ क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।